लेकिन 23 के एडमिशंस के लिए उसमें ट्वेंटी थ्री में इसमेंस किए जाएंगे तो इसीलिए मैंने यहां पे क्या नाम दिया इसको क्लैट ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री का पेपर कंडक्शन दिसंबर ट्वेंटी मैथमेटिक्स क्रैक करने के लिए हमारी कंप्लीट स्ट्रेटी क्या होनी चाहिए हम क्या ऐसा करें कि फिफ्टीन आउट ऑफ फिफ्टीन या फोर्टीन थर्टीन प्लस लेके चलते हैं

बस वही होगा स्मार्टली आगे बढ़ेंगे मेहनत कम लगेगी और रिजल्ट ज्यादा मिलेगा सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ट कि क्या कैसे करना चाहिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सर क्या मैथमेटिक्स के सिलेबस को कैसे अपन डील करें सबसे so, तो पहले मन में ये डाउट आ रहा होगा इतने सारे चैप्टर्स हैं पैटर्न अलग अलग एग्जाम का उस एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से अपन तो लॉ एंट्रेंस टेस्ट को किस तरीके से डिजाइन गए मतलब हर क्वेश्चन अलग अलग तरह से डिजाइन करता है जितने भी लॉ लॉन्टेस्ट टेस्ट है हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए पहला पॉइंट आता है कि इसमें हमें सिलेबस हम किस तरीके से कवर अप करें पूरे के पूरे सिलेबस को ठीक है अब सिलेबस का यहाँ पे बेसिक मोट ये है कि हमें मेथड्स भी आने चाहिए अप्रोच भी आने चाहिए कैलकुलेशंस भी आने चाहिए किसके किसके सिलेबस में जितने भी सब चैप्टर्स होते हैं आई नो यू वेल आर वेल अवेयर अवेयरनेस है ना तुम्हारे तो अंदर पूरा होगी कौन कौन से चैप्टर्स हैं हमारे सिलेबस में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके बारे में लिख रहा हूँ एवरेज रेशियो इसके अलावा भी चैप्टर्स हैं जो आपके स्टडी मटेरियल्स जो इवन है उनमें अगर आप इंडेक्स देखोगे तो सारे चैप्टर्स मैंशन कर दिए गए हैं तो लेकिन उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें जिन्हें हमें स्पेशली ध्यान देना है जो कहते हैं ना ये है मोस्ट प्रायोरिटी बेसिक्स चैप्टर्स कोर चैप्टर्स है ना तो इनको हमें ज्यादा फोकस करना है हाईएस्ट एस्ट वाले चैप्टर्स हो गए फिर उसके बाद होते हैं क्या ठीक है इसके इस पर हमने काफी कमांड कर ली तो उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर्स है कम भी चलेगा तो मैं इससे कोरिलेट करके उन चैप्टर्स को सॉल्व कर सकता हूं या कर सकती हूँ सच सच एज यदि मेरा परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस अच्छा है मैंने बहुत अच्छे से कमांड कर ली तो मैं इसके बेसिस पर एस आई की क्वेश्चन परसेंटेजिस लगा लूंगा जिस पे सी आईन लगा लूंगा अगर रेशियो तो, अच्छा है तो मैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन पे क्लिक कर जाऊंगा मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन पे अच्छे से दिमाग लगा लूंगा और इनके क्वेश्चन सोल्व कर लूंगा अगर मेरा टाइम स्पीड डिस्टेंस अच्छा है तो मैं ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ स्ट्रीम बेस्ड क्वेश्चन कर सकता हूँ यदि मेरा टाइम बहुत अच्छा है तो मैं पाइप क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी अगर मैंने अच्छा किया है तो प्रोबेबिलिटी अगर अच्छा किया तो मैं भी कर सकता हूँ मैं अरेंजमेंट भी कर लूंगा सो so दी अगर ये हमारे किस लिए मैंने क्या बोला इसको हाइएस्ट प्रायरिटी चैप्टर अगर हमने इस पर कमांड कर ली तो इनके जो एप्लीकेशन वाले चैप्टर हो गए वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कुछ हद तक कवर्ड हो जाते हैं ऐसा नहीं कि बाकी चैप्टर्स की थ्योरी नहीं होती उनके कॉन्सेप्ट्स नहीं होते लेकिन हम उसे कोरिलेट करके बना सकते हैं बता है, में में दूं तो एडवांस मैथमेटिक्स में ये पक्का होता है कि भैया आपको एक प्रोसेस एक मेथड उसके साथ जाना ही पड़ेगा जोमेट्री है उसके साथ उस तुम्हारे पास मीन मीडियन मे मीडियन और है ना प्लान जितने सारे tangents, के है, आपको प्रॉपर्टी याद करनी पड़ेगी एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मुलाज है कितने सारे ट्राइंगल होते एक, हैं है ना कितने सारे रेक्टेंगल वो है क्वाड्रिलेटरल है करना पड़ता है उसके ऑप्शंस नहीं होते लेकिन अरिथमेटिक में हमारे पास ऑप्शन होते हैं ऑल्टरनेट मेथड होते हैं चलो एक नहीं लग रहा दूसरा लगा दो दूसरा तीसरा लगा तीसरा चौथा लगा दो अच्छा इस मेथड अच्छा नहीं रहा कई कई बार देखोगे सोल्व कर दिया कई बार देखोगे तुम परसेंटेज क्वेश्चन में मिक्सर लगा रहे हैं। कई कई बार देखोगे रेशियो के से लगा रहे हैं मतलब एक दूसरे से इतना कोरिलेट करता है किसी चैप्टर को अगर मैंने बहुत अच्छे से कर लिया तो मैं उसके को चैप्टर को कर सकता हूं समझ रहे हो कहना तो so सिलेबस वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो इसको हमें करना है थोरोली। इसे आप कभी भी थोड़ली करना है इसमें कहीं किसी तरीके से कोई कई नहीं छोड़ना हमारे पास वक्त है कब तक करना है ये बारे बताऊंगा कितना टाइम देना है सिलेबस वाले पार्ट में कितना टाइम देना है हमें प्रैक्टिस के मोड में यह सब आगे हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे लेकिन हमें करना क्या है तो सिलेबस को हम मुझे थोड़ोली रिवाइज करना रहता है पढ़ने जाना रहता है रिविजन भी जरूरी है हम तब करेंगे जब पढ़ाई कंप्लीट होगी और ये सिलेबस कंप्लीट होगा लेकिन सिलेबस पे हम किसी तरह से कोई भी लूप होल नहीं छोड़ेंगे ठीक है और स्पेशली फॉर दीज स्पेशल चैप्टर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनका तो पूरा ध्यान रखना है इनका ध्यान तो तुम छोड़ना मत ठीक है चलो आगे देखते हैं कि हम इस सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट करें ना द टाइम शेड्यूल फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर वी है, है टाइम लिया मैंने अब के किस वीक होगा उसके बारे में कोई है, नहीं, डेट क्या है? डेट तो नवंबर तो तक ले लिया मैंने की थर्टी नवंबर है हमारे पास लेट से कि यहां तक मुझे पढ़ाई करनी है अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई बोलो क्या प्रॉब्लम यह हो गई अब प्रॉब्लम यह हो गई, ये हो गई कि कि किसी भी आप लोग बहुत सारे लोग हैं जिनके बोर्ड से एग्जाम होंगे तो नवंबर में या फिर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर रख लो या नवंबर रख लो या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर रख लो तो ये जो टाइम होता है तो मैं इसलिए मैं नवंबर दिसंबर का विंडो दे रहा हूं अब इसमें हो जाएंगे बड़ी बोर्ड वो बोर्ड वर्न का पेपर होता है ना अब यहाँ पे ये भी आ जाएगा मतलब स्कूलिंग वाली चीज चे, चेंज भी प्रॉब्लम करने वाली है इसका एक फायदा भी है देखो इसको इसलिए इसलिए हमने क्या किया मंथ वाइज डिजाइन कर दिया हमारे पास है अप्रैल मई ठीक है जून जून में मैं इंक्लूड कर लेता हूं क्योंकि 15 जून तक इस बार के बोर्ड्स के पेपर है तो जून को मैंने इंक्लूड किया इस तीन महीने में इस तीन महीने में हम क्या करेंगे सिलेबस वाला पार्ट करेंगे ठीक है और तीन महीने काफी टाइम होते हैं नाइनटी डेज अब ऐसा इसमें है नहीं कि तुमको नौ घंटे पढ़ने हैं डेली

साथ ही साथ उसकी रिविजन वाली प्रैक्टिस चलती रहेगी कि मैं कंसर्ट पढ़ूंगा मैं, मैं अगर थ्योरी पढ़ रहा हूँ मैं अगर किसी चीज को जान रहा हूं अप्रोच जान रहा हूँ तो उसकी मैं प्रैक्टिस जरूर करूं जिससे मुझे वो क्लियर क्लियर रहे कि, कि किस तरीके से उसको करना चाहिए किस तरीके से उसको नहीं करना चाहिए तो हमारे पास नवंबर तक का शेड्यूल है उस हिसाब से ये जो तीन महीने हो गए अप्रैल मई एंड जून इस तीन महीने में हमने क्या किया सिलेबस वाला पार्ट कवर कर लिया नाइनटी आवर्स वन आवर पर डे के हिसाब से और साथ साथ

और जुलाई ले लेते कुछ कुछ एक दिन है ना यानी जून जुलाई का जो विंडो है यहां लग जाएगा स्कूल में समर वेकेशन जो स्कूल गोइंग है कितना बढ़िया टाइम है पढ़ने के स्कूल स्कूल जाने की टेंशन नहीं अटेंडेंस का लोचा नहीं स्कूल का होमवर्क नहीं जो पढ़ रहे अपन स्कूल वाले टाइम को पढ़ते रहेंगे उस, उसकी बात कोई नहीं है और ये पूरा टाइम हम पूरे टाइम किसको डेडिकेट दे सकते हैं क्लैक को पूरे का पूरा टाइम किसको कर दिया पूरा डेडिकेट कर दिया समर वेकेशन में किसके तो यहाँ पे जब नवंबर में जाके प्री बोर्ड का टाइम आएगा तो उसमें जो हमें टाइम की कमी थी वो टाइम हमने कहा कर दिया जून एंड जुलाई के समर वेकेशन में क्योंकि जब प्री बोर्ड का टाइम आएगा बोर्ड के एग्जाम आएंगे तो वहां पे हमें स्कूल वाले सब्जेक्ट उसके जो कंसेप्ट है वहां जो हमें पढ़ना चाहिए उन उनपे ही फोकस करना पड़ेगा कि बोर्ड भी पास करना है अपने को ठीक है तो क्लैक के पास से थोड़ा सा तुम लोग पीछे हट जाओगे

अप्रैल मई जून के बीच में हमने जितने भी सिलेबस कर लिए थे जितने भी चैप्टर हो गए आई थिंक सारे चैप्टर्स हो गए मोस्टली मानो 80% चैप्टर हो गया उन सभी चैप्टर्स की प्रैक्टिस उन सभी चैप्टर्स का रिवीजन क्लैट स्पेसिफिक पैटर्न पे और दूसरे लॉ एंट्रेंस टेस्ट के भी पैटर्न पे अगर हमारे टारगेट कोई ओलीड्स के पेपर्स भी हैं तो उनके स्पेसिफिक पेपर के टारगेट हम यहां पे

स्कूल में है समर वेकेशन ठीक है अब बात किसकी आती है अगस्त से अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर बीस फोर मंथ्स अब इस चार महीने में नवंबर में इंक्लूड नहीं कर रहा लो हटा दिया नवंबर क्योंकि प्री बोर्ड का पेपर आ गया हम मैथ्स में आपको इंक्लूड नहीं करना चाह रहे देखो अक्टूबर अगर तुम्हारा मैथ सब्जेक्ट है तो अच्छी बात है बने रहोगे मैं अगस्त से अक्टूबर ले रहा हूं फॉर थ्री मंथ्स कंप्लीट रिवीजन ओनली कंप्लीट रिवीजन कंप्लीट रिवीजन जितनी प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा जितनी प्रैक्टिस कर सको लेवल ऑफ डिफिकल्टी जितनी हाई रख सके मॉडरेट रख सके एक दिन में हम एक घंटे बैठ रहे हैं लेकिन स्पीड में करेंगे यहां पे किस पे काम करेंगे अपन स्पीड एंड एक्यूरेसी स्पीड एंड एक्यूरेसी और बाकी समय किए थे अपन ने नॉलेज पे कंसेप्ट पे. है ना प्रैक्टिस पे अब यहां होगा स्पीड एंड एक्यूरेसी ये कैसे होगा ओनली प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस कर सके तो ये कैलेंडर को अपन डिवाइड करेंगे इन तीन कैटेगरी में ठीक है सेक्शनल टेस्ट टॉपिक टेस्ट एंड मॉक्स इसको किस तरह से हम अटेम्प्ट करें टॉपिक टेस्ट जैसे-जैसे चैप्टर होता जाए टॉपिक कंप्लीट होता जाए हम प्रैक्टिस करते जाए, ठीक है टेस्ट जरूर लिखें सारे टॉपिक पे टॉपिक टेस्ट हैं आपके पोर्टल्स पे टॉप रिंगर्स वाले प्लेटफार्म पे टेस्ट जरूर लिखो इससे क्या होता है हमने नॉलेज कितना गेन किया हमें कॉन्सेप्ट्स कितने तक हमने एनालिसिस किया उनकी एक रिपोर्ट समझते हमें समझ में आता है so, तो देते ही रहना है टॉपिक कंप्लीट हो टॉपिक टॉपिक कंप्लीट हो टॉपिक टेस्ट दो वट अबाउट मॉक्स कंटिन्यूटी में मॉक्स पे ब्रेक मत लागे मॉक्स कंटिन्यूटी में अब बोलो यहाँ पे एक डाउट याद आता है अब एक चीज यहाँ पे समझते हैं सर जब बोर्ड के पेपर आएंगे उस टाइम पे हम कैसे करें क्लैट को मैनेज ज चीज अपन यही देख लेते जब बोर्ड का टाइम आए तो हम किस तरह से करें से बोर्ड टाइम इज नवंबर दिसंबर क्लैट इज ऑल्सो दिसंबर ठीक है अब ऐसा तो है कि बोर्ड के पेपर के बाद ही क्लैट होगा मोस्ट ऑफ द केसेज पॉसिबिलिटी बात करें करें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बात करें। हम बोर्ड बोर्ड पे प्री करेंटिकोर्डो फोकस जरूर करेंगे लेकिन हम क्लैट्स को डिफोकस नहीं करेंगे उससे दिमाग नहीं हटाना उसे हटाना नहीं है चीज नहीं है हम यहां पर अगर टाइम दे रहे हैं सपोज करो तो कम से कम एटलीस्ट का रेशियो रखें बोर्ड के टाइम पे जब बोर्ड चल रहा हो 70 अगर हमने बोर्ड फोकस किया है तो थर्टी परसेंट हम क्लैट के कंटेंट को भी रिवीजन करते रहे ताकि उससे डिस्टेंस मेंटेन ना हो कि जब बोर्ड खत्म हो और वापस हम क्लैट के पैटर्न पे वापस आए हैं हम क्लैट की इंडस्ट्री में वापस आए हम उनके Uh, जो इको सिस्टम है जो पेपर लेने का सिस्टम है उसमें हम वापस आए तो हमें कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं मुझे मेरे मन में अभी चल रहा हो बोर्ड का पेपर उसमें तो मैंने ऐसे पढ़ाई की थी अब यहाँ पे टोटली पैटर्न चेंज हो गया अब हम, हम कैसे करें डिमोटिवेटन नहीं आना चाहिए डीमोटिवेशन नहीं आना चाहिए अपने अंदर वो नहीं फील करना चाहिए अब हम स्ट्रगल फेस करने वाले हैं

क्लैट के मैथमेटिक्स और जो अपने बोर्ड के सब्जेक्ट उनके साथ मैं यहाँ पे सिर्फ मैथ्स की बात करूंगा अब यहां पर अगर हम बात करें और मैंने यहां पे जीरो परसेंट कर दिया कोई कनेक्शन रखा ही नहीं और वापस लेके आओगे ट्वेंटी डेज टेन डेज फिफ्टीन डेज का गैप कर दिया हमने लिटरली मानो एक निगेटिविटी आ जाएगी मैथमेटिक्स को लेकर कि जहां पे तुम्हें बोर्ड से पहले जब बोर्ड के डेट अनाउंस नहीं हुए थे तुम्हारे मॉक्स के स्कोर सेक्शनल टेस्ट के स्कोर टॉपिक टेस्ट के स्कोर आउट ऑफ फिफ्टीन ऑन एन अराउंड टेन प्लस चल रहा हो मैं कहता हूं नाइन प्लस ही चल रहा हो किसी में नाइन जा रहा हूं नाइन प्लस किसी में इलेवन किसी में एट और जब यहां पे मैं जीरो कर दूंगा या मैं बोलता हूं तुम्हें टेन परसेंट तक भी कर दोगे ये पूरा बाउंड्री लेता हूं मैं तो तुम्हारे यहां मार्क्स ऑन एन एवरेज सबके नहीं कह रहा इन जनरल केस में फोर प्लस हो जाते हैं या मैं बोल सकता हूं सिक्स माइनस पे आ जाते हैं अब प्लस नहीं कह रहा हूँ माइनस कह रहा हूं अब यहां यहाँ पे फिलिंग आने लगती है क्या मैं मैथ्स बनना बंद हो गया मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की डिमांड करता है जब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे बनता रहेगा इजी आएगा ऐसा होता है ना आंसर आते हैं तो मैथ्स लगाने में बहुत मजा आता है तीन चार घंटे मैथ्स लगा लोगे लेकिन जैसे ही आंसर आने बंद हुए ना तब तो इससे बुरा सब्जेक्ट तो लाइफ में कुछ नहीं है है ना मतलब उसमें फिर आनुमलिक आ जाता है आग लगा देंगे इस मैथ बुक में तो बंद बनाना ही नहीं है तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप टच में रहे कभी भी प्रैक्टिस छोड़े नहीं लेट से कि मैं इससे पहले वन आवर की प्रैक्टिस डेली करता था तो आप बोर्ड के टाइम में फिफ्टीन मिनट जरूर दे मैं एटलीस्ट बोल रहा हूं इस रेशियो में बोल रहा हूं मैं ट्वेंटी मिनट्स लेट से ट्वेंटी मिनट नॉट फिफ्टी मिनट्स ट्वेंटी मिनट ये रेशियो थ्री इज टू वन थ्री इज टू वन ये रेशियो तो देना ही है इस रेशियो में प्रैक्टिस तुम करते रहो डेली बोर्ड का विकॉर्ड के टाइम पे वैसे अब तो अगर मैं दो घंटे दे रहा हूँ लेट से कि मैं टू आवर्स का दिया टाइम किसपे दियार वेकेशन में और बाकी दिनों में मैं नाइन्टी मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ मेरा बोर्ड का पेपर आ गया अब मैं मैथ्स को यहाँ पे नाइनटी मिनट्स को टेन मिनट्स नहीं करूंगा मैं इसको ट्वेंटी टू तो थर्टी मिनट्स डेली तब भी बनाऊंगा ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स डेली तब भी बनाऊंगा ताकि हमेशा इसके साथ बॉन्ड बना रहे दुनिया ना बढ़े है ना ठीक है तो उस टाइम पे फिर आपको जब वापस आओगे बोर्ड के बाद क्लैक के इको सिस्टम में क्वान्टिटिव उसमें तो कभी निगेटिविटी नहीं आएगी और डिमोटिवेट नहीं होगा हाँ एक आध नंबर तभी भी फ्लक्चुएट करेगा डोंट वरी फिर टेन प्लस है नाइन प्लस है किसी के ट्वेल्व प्लस होंगे ये हो सकता है कि टेन माइनस जाएगा लेकिन सिक्स माइनस नहीं जाएगा तो मुझे अच्छा ये कवर अप है ये भाई दो मॉक में या दो तीन घंट, घंटे अगर दो तीन दिनों में प्रैक्टिस कर लूं मैं कवर कर लूंगा लेकिन जब ये चीजें हो जाएंगी अगर हम उससे डिस्टेंस डालेंगे तो वो कवर होने में फिर निगेटिव फिर तुम बार बार उस चीज को एनालिसिस करने बैठ जाओगे जानोगे कि गलती कहाँ हो रही है मगर सोल्यूशन पे नहीं जा पाएंगे क्लियर नेक्स्ट पार्ट इज वक्त कितना दे आई ऑलरेडी द पार्ट, बट यहां पे मैं थोड़ा सा ब्रीफली और बता देता हूं कि वक्त कितना दे तो फ्रॉम अप्रैल टू जून एटलीस्ट सिक्सटी मिनट्स डेली At least की बात कर रहा हूं so, या फिर जो भी डेटा यहां लिख रहे अपन, मिनट्स डेली क्योंकि यहां समर वेकेशन है यार स्कूल का लोड तो है ही नहीं फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर नाइनटी मिनट डेली क्योंकि अब यहां पर हमारे सिलेबस वाले पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं एंड बोर्ड के टाइम पे ड्यूरिंग बोर्ड्स ड्यूरिंग बोर्ड्स जब आपके बोर्ड चल रहे हों उस टाइम पे हम क्या करें थ्री इज टू वन का रेशियो ले ले थ्री इज टू वन और फोर इज टू वन अगर मैं तीन आर्ट्स दे रहा हूं अपने बोर्ड्स वाले पे तो उस रेशियो में वन के रेशियो में हम के इंडस्ट्री के साथ भी क्लाइट के इकोसिस्टम के साथ भी जुड़े रहे इनसे डिस्टेंस नहीं बनाना है अब बोलोगे सर यहां पे कम टाइम दियो यहां पे तो मेरा स्कूल कोई लोड नहीं है और यहां पे आपने ज्यादा टाइम दे दिया है क्योंकि यहां पे मेरे स्कूल का भी थोड़ा बहुत लोड तो बढ़ता जाएगा यहाँ पे क्या है मैंने यहां पे आपको सिक्सटी मिनट्स डेली क्यों दिया है पहले जुड़ो तो अभी क्या है कि हम बहुत से मैथ्स में क्या है कि मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है जितने मैथ्स वैराउंड होते हैं वो बेसिकली जेई के तरफ थ्रो मूव करते हैं लेकिन है जनरली बात कर रहा हूँ मैथ्स एक, एक डर है एक सब्जेक्ट ऐसा है जो उतना पसंद नहीं आयास बहुत तो, बहुत uh, uh, और कई लोग बहुत पसंद भी आता, टेंशन नहीं है वो तो अपन मैथ्स कभी भी कर लेते हैं स्पेशली फॉर दो like और लेकिन पेपर में आता तो करना पड़ रहा है तो मैंने यहाँ पे कम टाइम उन्हीं के ऑन एन एवरेज बेसिस पे रखा है एटलीस्ट सिक्सटी मिनट मैंने बोला क्या नहीं एटलीस्ट एटलीस्ट का मतलब जिनको पसंद है वो ज्यादा लगा सकते हो जिनको नहीं पसंद है वो कम से कम सिक्सटी मिनट्स तो देना ही है कम से कम इससे क्या होगा एक फ्लो में तो आए एक रिदम तो बने यहां जब तुम्हारा रिदम बन जाएगा तीन महीने तीन महीने बहुत होता है अगर तीन महीने मैंने सिक्सटी मिनट डेली रिदम बनाया मैथमेटिक्स पे लिटरली बताओ कितनी भी नफरत करो कितना भी वीक मैथ्स हो बनेगा बनेगा गारंटी है बनेगा नहीं बनेगा सवाल ही पता नहीं होता अगर मैंने सिक्सटी मिनट्स एटलीस्ट डेली 90 डेज तक प्रैक्टिस की और अपना जो जो मेथड बताया उसको फॉलो किया कहीं नहीं जा रहा मैथ्स। 15 में, 15 में दूंगा बनेगा क्यों दिया नाइनटी दिया अब सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है सिलेबस वाला पार्ट यहां खत्म हुआ जो सिलेबस कर लिए तो यहां पे तो केवल प्रैक्टिस मोड है एंड बोर्ड्स के टाइम में हमने इतनी जो मेहनत की हमने इतनी जो मेहनत की ये मेहनत वेस्ट तो नहीं जाना चाहिए ना अब मैथमेटिक्स चीज ऐसी है कि गैप दे दिया फिर वेस्ट हो जाएगा तो इसलिए इस रेशियो में काम करना स्टार्ट कर दे लेकिन डिस्टेंस नहीं बनाना है बिल्कुल ठीक है तो आई होप जितने भी चीजें डिस्कस की हमने जितनी भी चीजें हमने यहां को डिस्कस किया बोर्ड के साथ क्लैक के साथ कैसे हमें पूरे साल की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए मैथमेटिक्स अच्छे नंबर समझ में आया होगा क्लियर हुआ होगा कोई भी डाउट अगर आपके पास हो डू कमेंट द चैट बॉक्स उसका रिप्लाई प्रॉपर जनरल डाउट्स की रिप्लाई आपको मिल जाएंगे वहां पे ठीक है ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब बाय थैंक यू